रूम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम खान ब्लॉग्स। आज हम ला रहे हैं और इसका थोड़ा सा रूम भी साफ करना है, जो इसकी जो जगह है वो भी साफ करना है। बकरे को अभी नहला तो दिए, अभी उसकी रूम की साफ सफाई करते हैं। देखो कैसा होता है, जानवर तुम पालते हो ना तो तुमको सारे काम उसके करने पड़ते हैं। वो बोलते हैं ना, शौक के आगे मौत है, तो सारे काम उसके करो, किसी के ऊपर लाइबल मत रहोगे भाई, ये रहेगा तो ही काम होएगा, तुम भी कर सकते हो। अभी ये देखो 10 दिन का कचरा है, 10 दिन का, अभी ये साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन का कचरा, हर 10 दिन में ये साफ करने का रहता है भाई। तुम शौक कर रहे हो ना तो शौक का पूरा जिम्मा तुम ही उठाओ, किसी को बोलो मत तू रहेगा तो होएगा, या तुम्हारा शौक तुम पूरा करो, समझे। हार्डली 15 मिनट्स लगा, हार्डली 15 मिनट्स। और भाई ये ना, ये 10 दिन का नहीं था, 20-25 दिन का कचरा था। कितना भर के निकलेगा देखो, एक बोली। और ये साफ करने के चक्कर में आज के ब्लॉग का सोशल मीडिया पे अपडेट डालना ही भूल गया, अभी सोशल मीडिया पे अपडेट डालता हूँ और फिर मिलते हैं। और ये इसका वॉश हो गया है, अंदर की सफाई भी हो गई है, अब इसको डाल देते हैं। नहा लिया, धो लिया, अंदर से पूरा साफ हो गया, अभी 15-20 दिन का आराम, एंजॉय करो आप, खाओ। अगर इसकी पूरी वीडियो देखनी है ना, प्रॉपर एक ऐसी वीडियो बनाओ इसी पे, तो कमेंट में बताओ जरा। ये तो हो गया बकरों का काम, अब देखते हैं और क्या काम बचा है, अगर कुछ बचा होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर वही आराम आराम। और अभी जैसे ही अंदर गया तो बताया गया कि बनाना चाहिए, बनाना लेके आओ, और शाम में हम महाराष्ट्रियंस का टिपिकल फूड बनने वाला है ब्रेकफास्ट, मिसल पाव। आम्ही महाराष्ट्रीयन लोकांचा तेच मिसल पाव, मिसल पाव खायचा आज, आज इफ्तारीमध्ये मिसल पाव होणार, मग आज मिसल पाव खाऊ, मग पाव पण घ्यायचे आणि लिंब पण आणायचे आणि अजून काय आणायचे, हां थोडीशी मेडिसिन घ्यायची परत। मग मराठी अच्छी आती है मेरे को, महाराष्ट्रीय नाही भाई, महाराष्ट्रीय नाही और मराठी नाही, ऐसा होता है क्या। मैं इधर आया था बाकी का सामान लेने, तो ये हमारे भाई साहब मिल गए जो हमारे गाड़ियों का काम करते, तो क्या बोल रहे थे तुम, इनको मैंने बोला इनका मैं एडवर्टाइज करूँगा तो मगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे। खड़की का एतराफ में जितने भी लोगों को घर पर अगर गाड़ी सर्विसिंग करानी है तो इनको बुला सकते हो आप सिर्फ कमेंट में मैसेज करो, इनका नंबर मिल जाएगा तुम्हारे को, सही है ना, थम्स अप दे दो देना दो वाटर। ये आ गई लादी और ये आ गई नींबू, मेडिसिन काम तो हो गए, अब कोई काम नहीं बचा, मिलते हैं एक पावर नैप के बाद। और ये मस्त आराम किया, एक मस्त पावर नैप लिया, अभी 5 बजे एक जगह जाना है, जिस चीज़ का बहुत वक्त से इंतज़ार था वो चीज़ मिल गई, और आपको दिखाते क्या मिल गया और क्या लेने जाना है। तो टाइम हो रहा है 4:20 और मैं निकल पड़ा हूँ, मैं जाना है एक चीज़ लाने के लिए जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, वो चीज़ फाइनली मिल गई और वो लेने जा रहा हूँ। और मैं कार में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ हो रही है बारिश, दिखाता हूँ, ये बारिश हो रही है, इतनी नहीं हो रही है मगर ये बढ़ने वाली है बारिश, तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, मिलते हैं, क्योंकि वहाँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जिधर मैं जा रहा हूँ वो स्ट्रेंजर है मेरे लिए, तो वहाँ के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो मिलते हैं जब भी वो चीज़ आती है। कैम्प तो पहुंच गया, अभी रुका हूँ फहद के लिए,
फहद को मैं बोला चलो आ रहे हो क्या, तो फहद बोले चलो आते हैं क्या करेंगे बैठ के भी। तो फहद का वेट कर रहा हूँ, फहद जैसे ही आता है वैसे निकल जाएंगे, आ जाएगा फहद। आइए, और ये हमारे फाइनेंसर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? यस यस, इज देयर मेमोरी कार्ड इन प्लेस? दिस डिस्प्ले शोस पिक्चर? नो इट डजंट। कैसा लग रहा भाई? एक नंबर वाइड एंगल, एक नंबर लग रहा है, बहुत मस्त है भाई। बैटरी चार्ज करनी पड़ी नहीं लगता भाई, चार्ज है भाई, मस्त लग रहा, मस्त लग रहा, एकदम क्लियर दिख रहा भाई। और हम लोगों का ये GoPro आ गया है, हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने OLX पे से देखा था और OLX पे से मेरे को एक अच्छी डील मिली तो मैंने ले ली, और वो GoPro को चेक कर रहा हूँ मैं ये ब्लॉग के साथ, और यही ब्लॉग में डाल दूंगा उसको। और हम ये ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हमारी इनोवा में से, घर के लिए निकल रहे हम, फहद भाई है, और क्या पता ये ब्लॉग कैसा आ रहा है, मुझे नहीं पता, मगर अच्छा ही आ रहा होगा भाई, पैसा खर्चा किया है तो अच्छा ही आएगा। तो आपको GoPro से दिखाते हैं अभी सामने इनोवा कैसा लगता है। आह क्या लग रहा है, आह चाचा हट जाओ। GoPro अभी मैं प्रो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मैं GoPro यूज कर रहा हूँ। फहद भाई क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा कैमरा? मस्त है भाई, GoPro जो GoPro है ना उसमें मजा आएगा अभी शूट करने में, एक नंबर, क्या मजा आ रही है। आहा, अभी इसको रखते, अभी भाई इसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है, मैंने कभी यूज नहीं किया हूँ, बस इसको अभी पूरा R&D करते हैं और पता चलता है कैसा यूज करते तो फिर इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा लग रहा मगर कुछ तो भी नया करना पड़ेगा ना भाई, जैसा मनीष भाई मैंने तुमको बोला था मेरे को बहुत जल्दी लेना पड़ेगा ये सब, देखो ले लिया मैंने। ये बारिश हो गई है शुरू, 5:20 हो रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ उंदरी से घर के लिए, क्लाइमेट देखो, बारिश शुरू हो गई है, ये वजह से नहीं लाया था मैंने कार, समझे? अरे भाई कार तो यूज करो, जब जरूरत नहीं तो खड़ी रहती ना पार्किंग में, जब जरूरत पड़ती है, जब भी यूज नहीं करो तो फिर क्या फायदा हो कार का, फिर तो तुम भंगार में डाल दो तो भेज दो। और ये मैं निकल पड़ा घर के लिए, बहुत कोशिश की आज भी आईफोन का कनेक्टर ढूंढने के लिए मगर नहीं मिला, अभी देखते हैं कब मिलता है, तो फिर थोड़ा सा जब मोबाइल से व्लॉगिंग करेंगे तो आसानी रहेगी, नहीं तो फिर जैसा कर रहे थे वैसा ही करेंगे। तो ये अब आ गए हम लोग हमारे घर पे और कर रहे हैं कल के वीडियो की तैयारी, एडिटिंग कर रहे हैं हम, हमारा GoPro का चेक भी हो रहा है कि कैसा वो देता है रिजल्ट। ये देखिए ये लैपटॉप है जिस पर मैं अपने वीडियो एडिट करता हूँ। इफ्तियारी करेंगे, इफ्तियारी करने के बाद जाएंगे मनीष भाई के घर और जो अपना GoPro है उसको हेलमेट पे माउंट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून। और ये जो सवेरे से मिसल की तैयारी हो रही थी इफ्तियारी के लिए वो बन गई है, और उसका फरसान भी रेडी है, प्याज भी रेडी है, तो सबसे पहले इस पे डालेंगे फरसान। आम्ही महाराष्ट्रियन, आम्हाला मिसल नहीं आवडती। प्याज और जो नींबू लिए थे वो नींबू, ये इसमें से तो रसीद ही निकल रहा, सब चूस लिए, ले सब रस चूस लिए, सिर्फ बीज बीज दे दिए, ले क्या करें। चलो अभी ये खाता हूँ। सारे काम तो हो गए मगर मैं जा रहा हूँ अभी मनीष भाई के पास, मैं आया हूँ यहाँ पे मेरा GoPro फिट करने अपने हेलमेट पे, और फाइनली मैंने GoPro ले लिया। Hero 7 फैमिली, यस। और अभी हम लोग यहाँ पे, हम लोग नहीं मनीष भाई कर रहे, मैं तो क्या सिर्फ देखते रहूँगा, मनीष भाई पूरा सेटअप करने वाले हैं अभी मेरे हेलमेट पे GoPro का, तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगती है GoPro को हेलमेट पे फिट करने के लिए और वो कैसे किया जाता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तुम्हारा कैसा है, पूरा क्लीन सरफेस नहीं, क्लीन ऐसे टेढ़ा है, तो अपने को बस थोड़ा सा बैठेगा ऐसा। अच्छा। उसके लिए एक्स्ट्रा अपने को गिरेगा नहीं, इसके लिए थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खजाना खुल गया है GoPro के एक्सेसरीज का,
गोप्रो को माउंट करा जा रहा है हमारे हेलमेट पे, और उसका प्रबंध कर रहे हैं हमारे भाईजान मनीष। जो हेलमेट था यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे कर्व जैसा बनाया हुआ है और इसके ऊपर एक फ्लैप था, तो वो फ्लैप हम लोगों ने निकाल दिया है। अभी इसको एक इवन सरफेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लगाने वाले हैं। तो वो कुछ क्या है देखते हैं। एमसील मिल गया है इस चीज़ के लिए, अभी इसको एमसील लगा के इसको इवन करेंगे और इसको एक फिनिश में रखें। देखो देखे मनीष भाई के पास सब कुछ है, यही वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, समझे। इसको बोलते हैं देसी जुगाड़। देखो तो एमसील लग गया है और एमसील के ऊपर लग गया है ये माउंट जिस पे गोप्रो फिट होगा जे हुक के साथ। अभी इसे थोड़ा देर हम छोड़ देते हैं सूखने के लिए, जैसे कपड़े धोने के बाद सूखने को छोड़ते ना, वैसा ही एमसील को भी थोड़ा छोड़ना पड़ता, समझे। तो मेरा गोप्रो का सेटअप हो गया है, ये इस पे लग गया है इसका माउंट गोप्रो का, फोटो व्लॉगिंग सेटअप का माउंट लग गया है। एमसील सूखेगा इसका, इसको कल मॉर्निंग में हम लोग करेंगे। और सारी चीज़ें तो हो गई, मनीष भाई को हमने थोड़ा सा तंग किया और थोड़ा सा बस क्या मोशन बनाया यार, इधर से अब अल्दी बातें करेंगे, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, वीडियो कंटिन्यू होगा कल मॉर्निंग तक। कल मॉर्निंग तक एडिट करके इसको फिर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और अभी लेते हैं मनीष भाई से अलविदा, बाय, गुड नाइट। जो रात में काम छोड़ा था हमने, इसे सूखने के लिए छोड़ा था हमने, जो ये माउंट हम लोगों ने रात में लगाया था इस पे एमसील से फिट करके, ये माउंट कुछ अभी सूख के मजबूत हो गया है, अभी ये हिल नहीं रहा है, तो इसके ऊपर मैं अपना गोप्रो फिट कर सकता। तो ये जे हुक है, ये जे हुक है, इस पे गोप्रो फिट होगा और ये इसमें जाके कनेक्ट होगा। ये हो गया इसमें फिट, तो ये हो गया है फिट। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके हम लोग रख सकते हैं। ऊपर करना है, नीचे करना है, जैसा एडजस्ट करना है कर सकते हैं। और ये हेलमेट को हम तो ये हो गया है फोटो व्लॉग के लिए सेटअप। चलो सो गाइस, कल रात में जो काम अधूरा छूट गया था वो पूरा हो गया है, फोटो व्लॉग का जो सेटअप है वो पूरा हो गया है और ये वीडियो को एंड करने का वक्त भी आ गया है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर भी करो वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्ता।